नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है कि केंद्रीय कर्मचारियों की हो गई है बल्ले बल्ले, 4% डीए बढ़ते ही बढ़ गए हैं ये 4 भत्ते। तो दोस्तों, वे कौन से भत्ते हैं जिनमें बढ़ोतरी हुई है, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच के। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, रिकॉर्ड महंगाई के बीच केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज आई है। जुलाई में उनका महंगाई भत्ता 4% बढ़ गया है। अब उन्हें 38% की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान होगा। अभी तक यह 34% था, लेकिन खुशखबरी यही नहीं थमी, अब उनके दूसरे भत्ते भी बढ़ने जा रहे हैं। AICPI के आधार पर महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा हुआ है। यह सितंबर में कर्मचारियों की सैलरी के साथ जुड़कर आएगा। 2 महीने के एरियर के साथ इसका भुगतान भी किया जाएगा। दोस्तों, सरकार साल में 2 बार केंद्रीय कर्मचारी के डीए तय करती है। जनवरी और जुलाई में डीए में रिवीजन किया जाता है। जनवरी 2022 में डीए में 3% की बढ़ोतरी हुई थी और डीए बढ़कर 34% हो गया था। अब AICPI IW के जो आंकड़े आए हैं उनके हिसाब से इसमें 4% का इजाफा हो गया है। यह बढ़कर 38% पर पहुंच गया है। इसमें 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों को फायदा होगा। सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के लिए डीए में इजाफा करती है। AICPI इंडेक्स का नंबर 129 अंक से ऊपर रहा है। दोस्तों, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो 34% के हिसाब से उसे 6,120 रुपये डीए मिलता है। डीए में 38% होने पर कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के तौर पर 6,840 रुपये मिलेंगे, मतलब इसमें 720 रुपये से ज़्यादा मिलेंगे। ऐसे में हर लेवल पर 4% की दर से मासिक महंगाई भत्ते में इजाफा होगा। डीए बढ़ने के साथ साथ कर्मचारियों के दूसरे भत्तों में भी इजाफा हुआ है। डीए बढ़ने पर PF और ग्रेजुएटी की रकम में इजाफा होगा। वहीं सिटी और ट्रैवल अलाउंस में भी बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों के HRA में भी रिवीजन किया जाएगा। दोस्तों, केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को 18 महीने यानी 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच डीए के एरियर का भुगतान नहीं किया है। इस दौर COVID-19 के चलते कर्मचारी का महंगाई भत्ता फ्रीज रखा गया था। ये उसी अवधि का पैसा है। कर्मचारी लंबे समय से इसके भुगतान की मांग कर रहे हैं। यूनियन ने कुछ समय पहले दावा किया था कि 18 महीने के डीए एरियर पर सरकार से बात बन सकती है, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं आया है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।